मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही असर है कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए नई नई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं योजनाओं की वजह से प्रदेश के मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान रमेश कुमार हैं, जो रोहतक जिले के गांव बनियानी में करीब 25-30 साल से खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं, धान और सरसों की खेती किया करते थे, लेकिन उसमें मुनाफा कम होता था और लागत ज्यादा लगती थी, जिसके बाद उन्होंने बागवानी के तहत सब्जियों का उत्पादन करना शुरू किया, जिसमें मुनाफा परंपरागत खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा है और सरकार की ओर से भी अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है। अपना नाम बताकर ये बताइए कि कब से खेती कर रहे हैं, कितने साल से? मेरा नाम रमेश है, मैं लगभग 25-30 सालों से खेती कर रहा हूँ। और उससे पहले मेरे माँ बाप खेती करते थे, मेरे पेरेंट्स खेती करते थे, और अब मैं खेती कर रहा हूँ। पहले तो वो मोटी फसल बोते थे, लेकिन अब मैंने सब्जियों के ऊपर जोर लगा रखा है। जैसे जिस दिन सब्जियों में सब्सिडी मिलती है, जैसे घिया है, मटर है, मेथी है, उन सब्जियों में मिलती है सब्सिडी, वही सब्जियां बोता हूँ। प्रगतिशील किसान रमेश कुमार बताते हैं कि उन्होंने सरकार के सहयोग से अमरूद का बाग भी लगाया है, जिस पर भी सब्सिडी मिल रही है। इसके साथ ही वो ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहे हैं। ड्रिप सिस्टम पर भी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गई है, जैसे पानी की काफी बचत होती है और बिजली का खर्च भी बहुत ही कम होता है। मैंने एक बाग भी लगा रखा है, अमरूदों का बाग लगा हुआ है। अमरूदों के बाग में भी सब्सिडी मिलती है हमारे को। उसके साथ मैं ड्रिप सिस्टम के द्वारा खेती करता हूँ। ड्रिप सिस्टम मैंने लगा रखा है, वो ड्रिप सिस्टम के साथ हर पौधे की जड़ के अंदर पानी जाता है। उसमें पानी की लागत भी कम होती है और बिजली का खर्चा भी कम आता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों को कई तरह के लाभ दे रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार किसानों को सब्जियों और फलों पर सब्सिडी दे रही है, मुफ्त बीज मुहैया करवा रही है, मुफ्त खाद दे रही है और सोलर पंप के लिए अनुदान राशि देने के साथ साथ कई तरह का सहयोग कर रही है। कई फायदे हमारे को सरकार करती है, पहले सब्सिडी देने में, पहले बीज मुफ्त में, फिर खाद मुफ्त में, फिर उसके बाद अपना सोलर में सब्सिडी, फिर बिजली जो सोलर बिजली पैदा करता है उसमें सब्सिडी। मनोहर लाल की सरकार जब से आई है, उन्होंने ऐसा सिस्टम चालू कर दिया है, किसानों की दुगनी तिगनी आमदन कर दी है। प्रगतिशील किसान रमेश कुमार ने बताया कि वो करीब 15 एकड़ में फल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिसके लिए वो बागवानी विभाग से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। रमेश कुमार बताते हैं कि बागवानी विभाग साल में 2 बार मुफ्त ट्रेनिंग देता है, साथ ही समय समय पर उनके खेत में बागवानी विभाग के डॉक्टर और अधिकारी जायजा लेने के लिए भी आते हैं और खेती बाड़ी के बारे में उचित जानकारी देते हैं। मैं लगभग 15 एकड़ में खेती करता हूं मैडम। अच्छा, ट्रेनिंग को लेकर बात करें तो इसकी ट्रेनिंग भी देती है सरकार? साल में 2 बार ट्रेनिंग देते हैं, जो वहाँ ले जाते हैं हमारे को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद डॉक्टर भी आते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए, यहाँ पे आके चेक करते हैं, और जो इन्होंने अपने आदमी छोड़े हुए हैं वो आके हमारे को चेक करते हैं कि जैसे हमने घी की वो लेनी है, भाई घिया आपने वो भी रखा है कि नहीं वो रखा, मटर आपने वो भी रखे है कि नहीं वो रखे, आपने अपना मेथी वो भी रखी है कि नहीं वो रखी, गाजर वो भी रखी है कि नहीं वो रखी, ये सारी चीज़ें देखने आते हैं, वो चेक करते हैं, उसके बाद हमारे को सब्सिडी मिलती है। अच्छा, डॉक्टर वगैरह भी आते हैं दवाई? बिल्कुल आते हैं, वो अपना जो बीज देते हैं ना उसको चेक करने के लिए आते हैं, भाई हमारे उस बीज ने काम किया कि नहीं किया, फिर दवाई देते हैं मुफ्त में, कोई कमी पेशी आ जाए, कीड़ा लग जाए, कुछ हो जाए, फिर दवाई को चेक करने आते हैं, भाई उस दवाई ने काम किया कि नहीं किया, ये सारे काम। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से सभी तरह की सब्जियों और फलों की खेती करने पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे काफी लाभ मिल रहा है। अच्छा, सब्सिडी को लेकर बात करें तो कितनी सब्सिडी दे रही है सरकार? सरकार तो 30%, 40%, 60% हरेक की सब्जी की अलग अलग वो है, बाग की अलग है सब्सिडी,
हर एक की अलग अलग सब्सिडी। अच्छा, मटर की बात करें तो एक एकड़ पर कितनी सब्सिडी मिल रही है? मेरे ख्याल में लगभग 15,000 से 20,000 रुपए मटर की सब्सिडी है। आप सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल उठाते हैं, सीधी बैंक में आती है मैडम, दिक्कत ही नहीं है हमारे को भाई। एक बार पोर्टल पे चढ़ाने की देर है, सीधी सब्सिडी बैंक में आ जाती है। प्रगतिशील किसान रमेश कुमार बताते हैं कि वो 12-13 लोगों को अपने खेत में रोजगार दे रहे हैं, जिससे उन लोगों की अच्छे से आजीविका चल रही है। अच्छा, रोजगार कितने परिवारों को दे पा रहे हैं यहाँ खेत? लगभग 10 से लेके 12-13 लोगों को मैं रोजगार देता हूँ, जिसमें ड्राइवर भी है, चौकीदार भी है, क्योंकि रात को चौकीदार रखना पड़ता है कोई सब्जी ना तोड़ के ले जाए। उसके बाद जो तोड़ने वाले हैं, बोने वाले हैं, साझी हैं, सब सब रखे हुए हैं टोटल। प्रगतिशील किसान रमेश कुमार ने बताया कि वो बिक्री के लिए अपनी फसलों को रोहतक मंडी में ले जाते हैं, जहां अच्छी कीमत मिल जाती है और कोई परेशानी भी नहीं आती। अच्छा, बिक्री को लेकर बात करें तो इसकी बिक्री कहां करते हैं? बिक्री रोहतक जो है हमारे नज़दीक पड़ता है वहां भी करते हैं, कलनौर नज़दीक पड़ता है वहां भी करते हैं, और भी जहां पे अगर बच जाए तो अपनी मशीन में रख देते हैं। मतलब अब बिक्री में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात। प्रगतिशील किसान रमेश कुमार ने दूसरे किसानों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती त्याग कर बागवानी को अपनाना चाहिए और सब्जियों की खेती करनी चाहिए, जिससे आमदनी दोगुनी की जा सकती है। अच्छा, और किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं? सभी किसानों को जो मोटी फसल बोते हैं, अब मेरे पास एक किसान बैठा था, वो कहने लगा मैंने 2 बार अपनी सिर संभोली, दोनों बार नहीं होगी। मैंने उसको कहा भैया सब्जी बो, सब्जी सब्जी बोने में बहुत बड़ा फायदा है। अब तो किसानों ने हमारे लिए एक और बड़ा फायदा कर दिया कि जहां हमारा पानी भर जाता था वहां पे कुएं लगाने शुरू कर दिए, ताकि सारा पानी उस कुएं में चला जाए, उसमें भी हमारे को बड़ा फायदा हो गया। और जिस समय हमारे को ज़रूरत होती है उस समय निकाल लेते हैं हम। ऐसे ही हमारे तालाब है, इस बार तो सरकार ने जो हमारे को नहर में पानी दिया उसकी कमाल कर दी, पूरी नहर फुल और पूरे वार लगे और बड़ा फायदा हुआ हमारे। उन्होंने बताया कि हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के लिए सराहनीय कार्य कर रही है, जिससे किसान दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है और किसानों की आय भी 2 गुनी हो रही है, जिसके लिए प्रगतिशील किसान रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। सरकार को क्या कहना चाहोगे, किसानों के लिए कैसा काम कर रही है? अरे सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने किसान जीवा दिए, नहीं तो किसान भूखा मरा करते, कभी किसानों के पास कुछ हुआ नहीं करता। अब तो किसान अमीर हो गया, कोई कमी पेशी नहीं रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर दी। अब तो ये किसान की, अगर किसान ना करे तो उसकी मर्जी है, करने वाले के लिए चाहे दुगनी तिगनी आमदनी है, कोई कसर नहीं। वहीं रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि परंपरागत खेती में साल भर के दौरान 1 या 2 बार ही उत्पादन लिया जा सकता है, जबकि सब्जियों की खेती में साल भर के दौरान 3 से 4 बार उत्पादन लिया जा सकता है, जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी आज आपके बीच में बात रखना चाहूँगा क्षेत्र विस्तार में सब्जियों की काश्त के विषय में। किसान भाइयों, सब्जियों की काश्त आमतौर पर हमें पता है सीजनल होती है, और बिल्कुल सब्जियां एक ऐसी काश्त है बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन की, साल में जैसे आमतौर पर हमारी दूसरी जो फसलें हैं वो साल में 1 या 2 ही ले सकते हैं हम, लेकिन यदि हम सब्जियों पर आते हो तो साल में 3 से 4 तक सब्जियाँ ले सकते हैं। सीजन के हिसाब से होती है सब्जी, 3-4 महीने की का लाइफ स्पैन होता है। सब्जियों की खेती के लिए बागवानी विभाग किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी देकर काफी सहयोग करता है, साथ ही आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर भी सरकार काफी सहयोग करती है, जिसकी जानकारी जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने दी।
तो सब्जियों में यदि मैं हमारे विभाग की बात करूं, बागवानी विभाग की, तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे विभाग की सब्जियों की काश्त में, तो हर किसी भी सब्जी पर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 15,000 रुपये का अनुदान है किसान भाइयों को। उसको थोड़ा सा तकनीक के साथ हमने करना होता है। तकनीक में 4-5 विधियाँ हैं जो सब्जियों के साथ हम जोड़ सकते हैं, जैसे सब्जियों में पानी देने के लिए मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप, सूक्ष्म सिंचाई या जो हमारी फुहारा सिंचाई है उस विधि को जोड़ दें। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि ड्रिप इरिग्रेशन और फव्वारा विधि पर मीकाडा डिपार्टमेंट की ओर से 85% तक सब्सिडी दी जा रही है और किसानों को सिर्फ 15% ही खर्च करना पड़ता है। साथ ही इन विधि से सब्जियों की खेती करने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ बागवानी विभाग अलग से किसानों को देता है। ये जो सूक्ष्म सिंचाई और फुहारा विधि है, इस पर भी मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है मीकाडा डिपार्टमेंट के माध्यम से। 85% अनुदान इसके ऊपर शुरू कर दिया, जो पहले 50-60% हुआ करता था वो आजकल 85% है। 15% किसान का खर्च होता है इस पर, और इस विधि से कोई भी सब्जी यदि हम लगाते हैं तो 15,000 रुपये हमारा बागवानी विभाग किसान भाइयों को देता है, और उधर से टपका विधि पर, फुहारा विधि पर भी किसानों को मदद मिलती है। कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का पूरा फोकस किसानों और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों पर रहता है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकी की जानकारी देने और किसानों के कृषि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है।